अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। बुद्ध के पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने जंगल में जाना और भगवान की खोज को करना उचित समझा और उन्होंने सत्य के पथ पे चलना समझा। ऐसे ही साथ हमारे जो हमेशा सत्य के पथ पे चलते हैं वो है हमारे साथ आयर सिंह जी। आयर सिंह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बुद्ध भिक्षु अधिकतर गंजे होते हैं तो उसका क्या कारण होता है कि वो सिर्फ गंजे रहते हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए सर, जहाँ तक बौद्ध धर्म की परंपराओं के संबंध में जो हमारे जो सील हैं, हमारे जो विनय पिटक में बताया गया है कि विनय पिटक के अंतर्गत आप मौसम के अनुसार बदल सकते हो। जैसे बारिश हो रही है, छाता बुद्ध के टाइम में नहीं था, छाता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ऐसी औषधि आदमी बीमार है तो ले सकता है मौसम के अनुसार। लेकिन उनके जो बाल काटने के वाले सर, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये देखिए आप कि बुद्ध ने बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग अपनाया। एक लोग थे जिनकी जटाएं पैरों से लगी रहती थी, दूसरे लोग थे कि उन्होंने हमेशा हमेशा ये कहा कि भाई इस तरह चोटी रखना, ये रखना, तो बुद्ध ने सबको पाखंड कहा। उन्होंने मध्यम मार्ग के होते हुए उन्होंने कहा कि भिक्षु वो श्रेष्ठ है जिसके पास में कम से कम अपने जीवन को व्यापन करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए। उनमें चीवर हैं, उनके अंदर के पहनने वाले कपड़े हैं, एक उस्त्रा है, एक सुई धागा, अगर कोई उनका चीवर कहते हैं जो पहनने वाले पीले रंग के उनके कपड़े होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो अपने बालों को इसलिए छोटा वो करके रखते हैं कि वो ताकि अनावश्यक रूप से कोई इस तरह की मांग न बढ़े और परिवर्तन वो कर सकें। उनके बाल छोटे होने का एक मेन कारण यह है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर चले थे। लोग पहले जटाएं बड़ी रखते थे, धूल लगाते थे, तो बुद्ध को पाखंड लगा। उन्होंने कहा भिक्षुओं को कि आप मध्यम मार्ग पर चलिए, और ये गोल्डन पथ है मध्यम मार्ग, इसलिए मध्यम मार्ग पर जो आप चलते हैं, जो गोल्डन पथ है वो वैज्ञानिक रूप से तराशा हुआ है और उसमें कोई भी शक या शुबा या किसी भी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं है। वो बिल्कुल सही है उनका कि कम से कम आवश्यकता होनी चाहिए, इसलिए वो अपने बाल छोटे रखते हैं। जी सिंह साहब, एक बहुत अहम सवाल है, जो बुद्ध की फिलॉसफी पे चलते हैं क्या उनको दिवाली, होली, दशहरा जैसे त्यौहार मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, जब आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जब मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ तो मुझे किसी की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आप बुद्ध की शरण में आ जाते हो, ना कोई ईश्वर की, ना कोई आत्मा की, ना किसी परमात्मा की, ना किसी देवी देवता की, ना स्वर्ग की, ना नर्क की, और ना ही किसी प्रकार के सुपरस्टिशन की कोई बात की ज़रूरत है, और उनको होली दिवाली किसी तरह की कोई चीज़ मंगाने की ज़रूरत नहीं है। आज ये अंधविश्वास के प्रतीक है, आज हमारे समाज को दूसरी तरफ ले जाते हैं, और भारत में जितनी ज़मीन या जितनी दौलत मंदिरों ने घेर रखी है वो उनमें से शुल्कास्टों का कम से कम आपको बताऊं 60-70% पैसा उनका बर्बाद जा रहा है। अगर ये पैसा अपने स्कूलों में दें, अपने बच्चों को दें, तथागत बुद्ध के धर्म प्रचार में करें, पुस्तकों को बांटने में करें बाबा साहब या भगवान बुद्ध की वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और जो भी होली हैं ये पुराने टाइम की बातें, होली दिवाली ये सारी ये मूर्खतापूर्ण की चीज़ हमारे लोगों के लिए है। प्रोग्रेसिव आदमियों को इन रास्तों पर नहीं चलना चाहिए, ये सब काल्पनिक हैं जो हमें अंधविश्वास की तरफ ले जाती हैं, हमारे समाज और औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को गुमराह करते हैं, और ये हमारे लिए एक तरह से एक ऐसा रास्ता है जो हमारे एक्सप्लोरेशन के लिए बनाया गया है। एक आदमी एक बोरी चावल या चीनी कोई दान करता है, लेकिन वो सारे देश के अंदर जो होलियों में या इन चीज़ों में सामान खरीदा जाता है उसका सारा पैसा एक बनिया कम्युनिटी पे जाता है, हिंदुओं पे जाता है, ब्राह्मणवाद को पैसा मिलता है। वो मंदिर इन त्योहारों को इसलिए बनाया गया ताकि पैसा घूम फिर के करेंसी का फ्लो ब्राह्मण और बनिया के पास आ सके। ये मूर्खता के प्रतीक है। हमारे लोगों की संस्कृति बुद्ध की संस्कृति है और बुद्ध की संस्कृति में अंधकार का कोई जगह नहीं है। हमें इनको ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे हम शमशान में पड़ी हुई हड्डियों को छोड़ देते हैं। जी, आप थे हमारे साथ आयर सिंह जी, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि दशहरा, होली, दिवाली क्यों नहीं मनाने चाहिए बहुजन समाज के लोगों को या बुद्ध की जो फिलॉसफी पे चलते हैं। हमारे चैनल से आपने बात करी, इसके लिए धन्यवाद साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू साहब, और आप ऐसा काम करते रहिए समाज को जागृत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।